दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग गियर के बारे में समझते हैं। तो गियर के बारे में समझने से पहले हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, जिससे आपके अलावा आपके दोस्तों के पास भी हमारा चैनल पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। आइए दोस्तों गियर के बारे में समझते हैं। देखिए गियर, ये पूरी लाइन गियर देख रहा है, ये पूरी लाइन न्यूट्रल है, ये पूरा न्यूट्रल है। फर्स्ट गियर डालने लिए जैसा इंडिकेट किया, इधर लास्ट में आके मतलब लास्ट लेफ्ट लास्ट में जाके फिर आगे फर्स्ट पड़ गया। सेकेंड गियर एक तो ये तरीका है, न्यूट्रल आए फिर इधर लास्ट में आके पीछे कर दिए। दूसरा तरीका ये है, ये न्यूट्रल है ऐसे इधर ही दबाते हुए, लेफ्ट को ही दबाते हुए सीधा पीछे कर दिए तब भी सेकेंड पड़ जाएगा। अगर इसमें जरा सी भी गलती होगी, हल्का भी सीधा आ गया तो ये फोर्थ पड़ जाएगा। थर्ड गियर डालने के लिए सेकेंड से सीधा ऐसे हाथ लगाया, सीधा खिसकाए, फर्स्ट स्टेप में न्यूट्रल गया, सेकेंड स्टेप में गियर पड़ गया थर्ड। हमेशा गियर दो स्टेप में पड़ता है सेकेंड वाली, फर्स्ट स्टेप में न्यूट्रल होता है, सेकेंड स्टेप में गियर पड़ता है। अगर गाड़ी न्यूट्रल है तो कोई बात नहीं, उसका फर्स्ट स्टेप पहले से ही है, सेकेंड स्टेप में गियर पड़ जाता है। थर्ड गियर से फोर्थ डालना है, ये न्यूट्रल ये ऐसे हाथ लगाए, न्यूट्रल किए, ये गियर डाल दिया, थर्ड फोर्थ गियर पड़ गया। फिफ्थ गियर डालना, न्यूट्रल आए, फर्स्ट स्टेप ये हो गई, सेकेंड स्टेप ये लेफ्ट को किए और आगे कर दिए, ये सॉरी राइट को किए और आगे कर दिए, ये फिफ्थ गियर पड़ गया। रिवर्स गियर सेकेंड गियर का जस्ट अपोजिट होता है, न्यूट्रल आए, राइट को जितना खिसक सकता है खिसका लिए, इसके बाद पीछे को खींच दिए, ये फोर्थ पड़ गया। दोस्तों अगर मान लीजिए ये रिवर्स गियर पड़ गया, मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी थर्ड गियर में चल रही है, अचानक आपने गाड़ी स्लो की, स्लो करने के बाद स्पीड आपके पास 10 से भी कम बची, सेकेंड गियर की या फर्स्ट गियर की, मान लीजिए फर्स्ट गियर की स्पीड बची, तो पहले गियर को न्यूट्रल करेंगे, इसके बाद फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर फर्स्ट गियर डालेंगे, ऐसे गियर बदलते हैं। डायरेक्ट किसी भी गियर से, किसी भी गियर में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट गियर पड़ा है, फिफ्थ में जाना है, न्यूट्रल किए, फिफ्थ गियर डालना है। पहली बात ऐसा चांस ही नहीं आता कि डायरेक्ट फर्स्ट पे फर्स्ट से फिफ्थ में जाना पड़े, लेकिन अगर डालना मतलब कहने का मतलब ये किसी भी गियर से किसी भी गियर में जा सकते। चौथा गियर डालना, सीधा पीछे खींच दिया, दूसरा डालना है, न्यूट्रल आए, चौथे गियर से न्यूट्रल आए, लेफ्ट को गए, सीधा पीछे कर दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसा करते हैं, गियर के बारे में समझ गए होंगे। और गियर को पकड़ते या दबाते नहीं, केवल इस पर हाथ रखते हैं, ऐसे ऐसे हाथ रख के फर्स्ट गियर डालना, इस अंगूठे से लेफ्ट को पुश किए, आगे खिसका दिए, सेकेंड गियर डालना, हल्का सा टर्न किए और लेफ्ट को ही दबाते हुए पीछे खींच दिए, सेकेंड पड़ गया। थर्ड डालना, सीधा ऐसे हाथ लगाए, सीधा खिसकाते चले गए आगे को, थर्ड गियर पड़ गया। फोर्थ गियर डालना, न्यूट्रल थर्ड से सीधा न्यूट्रल है, फिर पीछे खिसका दिए, बिना पकड़े बिना दबाए बस खिसकाना रहता है। फिफ्थ गियर डालना, ये न्यूट्रल है ऐसे न्यूट्रल है, फिर ये राइट को किए आगे कर दिए। ठीक है, फिफ्थ से थर्ड में आना है, ये न्यूट्रल किए सीधे आगे कर दिए, थर्ड से फर्स्ट में आना, न्यूट्रल किए लेफ्ट को किए सीधा आगे कर दिए, फर्स्ट से फोर्थ में आना है, न्यूट्रल किए सीधा पीछे कर दिए, फोर्थ से सेकेंड में आना है, न्यूट्रल किए लेफ्ट को पुश किए और पीछे खिसका दिए, सेकेंड से डायरेक्ट रिवर्स गियर में आना है, न्यूट्रल किए राइट को पुश किए और सीधा पीछे खिसका दिए, रिवर्स गियर पड़ गया। थैंक यू दोस्तों, ऐसा करते हैं आपको गियर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसे गियर डालेंगे तो कभी गलती होएगी नहीं, ऐसे पकड़ेंगे फिर आइडिया लेके डालेंगे, फर्स्ट यहाँ पे हो सकता है हल्का ना पुश, इधर उपाय थर्ड पड़ जाए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको केवल हाथ रखना है और केवल खिसकाना है, दबाना या पकड़ना नहीं है, बस ऐसे हाथ लगाए खिसका दिए, फर्स्ट जो गियर डालना उसी गियर की तरफ मूव किए, केवल खिसकाए बिना ताकत लगाए। थैंक यू दोस्तों।